तो इसने डोर के लिए लाए थे वो, जैसे वो बजते नहीं ना खिड़कियों, तो ये देखो इन्होंने पानी पिला दिया। चले तो ये देखो यहाँ पे पानी पिला दिया, और ये हमारी गैया माता है, अभी ऊपर से दिखा रही हूँ दूर से। और ठीक है पापा, कहना टोपी दिखाती हूँ मैं आपको। क्योंकि फिर ना ये भगवान इस लड़के ने ना परेशान कर दिया, इतने पता नहीं क्या हॉर्न लेके आया है ना, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये गद्दा एक्स्ट्रा पड़ा है वहां पे रखा हुआ ना जो, और अभी ना मैं सोच रही थी कि सर्दियों के जो बिस्तर है ना वो हमने अंदर रखने, पर अंदर कहाँ से रखने, बारिश है वो नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं थम रही है। तो एक मिनट, तो हनी के पापा ने और मैंने ज्यादा शॉप नहीं, इनके लिए भी नए कपड़े हैं वो इन्होंने ना सिला के किए, और ये लेके आई थी मैं इनके लिए सदरी, बहुत अच्छे वाली है, अच्छे वाले उसमें है, ये नहीं है कि मतलब कई उसकी में होती है ना कई प्रकार की, तो ये नया निकला है अभी मार्केट में, नई नई मतलब ये जो ऊपर वाली जेब इन्होंने दी है तो ये नई है। ये देखो सुंदर है ना, ये हनी के पापा के लिए, और उनके मैं ना आपको जूते भी दिखा देती हूँ हनी के पापा के, ये वाले सदरीन के लिए बहुत अच्छा कपड़ा है, और ये हमने उसमें सिल्वर कलर में चूज की है, क्योंकि इनके पास ना जो पैंट है वो भी कुछ इसी तरह की है, तो उसके साथ मैच करती हूँ ना, ये अच्छी लगेगी है ना। एक ये और एक शर्ट इनकी है जो दीदी लेके आए थे, ये भी इनके लिए हाफ बाजू है, और एक दो पैंटे और एक शर्ट उधर रखिए दर्जी के पास, वो आज आ जाएगी, आज मंगाइए, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी जब वो आएगी, तो उस टाइम दिखा दूंगी। तो आजकल तो शादी की शॉपिंग ही दिखानी है, हमने ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया है हम दोनों पति पत्नी, सिर्फ हमारा खर्चा जो हुआ है वो बच्चों के लिए हुआ है, ठीक है ज्यादा। और ये और बच्चों के दिखाऊंगी मैं शादी वाले दिन ही। और ये है जुराबे इनकी, और ये जो भी, और एक चीज जो शान है हिमाचल की, तो ये इनके लिए मैं लेके आई हूँ टोपी। ये ना कभी अपनी पसंद के नहीं पहनते हैं इनके पापा, कभी भी नहीं, मैं हमेशा अब कहाँ से लगेगी ये, ऐसे लगती है शायद ना इस तरह, मुझे एक उल्लूबी टोपी है, और जो जो हरे वाली होती है ना वो किनौरी टोपी होती है, ठीक है। और अभी मैं एक चीज और दिखाती हूँ आप लोगों को, रुको, वो ना ये क्या बोलते हैं, ये मेरे को निर्जा दीदी लेके आए थे, ये भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। मेरे कपड़े तो आपने देखे, ये मेरा नाइट सूट है, ये देखो दीदी बोल रहे थे कि हमारे तो वहां ना दिल्ली में भी पहनते हैं इस तरह के, नया बिल्कुल, मैं पहनती हूँ उसको, घर में पहन लेती हूँ मैं, दिन को भी पहनती हूँ उसको, बहुत अच्छा कपड़ा है इसका। और ये है, ये इसका टॉप है, मतलब ऊपर का, वैसे छोटा सा ही है, कुर्ता है छोटू सा कुर्ता, और इसकी हाफ स्लीव्स है, देखो हाँ बाजू में, ये बहुत ही प्यारा है, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा है, सच्ची बता रही हूँ। और एक चीज और, पर ये में ना मेरे को ठीक करवानी पड़ेगी, मेरे को नायरा कट सूट लेके आए हैं दीदी, और ये देखो, काश यही सारी उम्र यूं ही जाए बीत मितवा, पर ना इसमें पता नहीं अंदर लाइनिंग वगैरह भी लगानी पड़ेगी ना, कलर मेरा फेवरेट है, बहुत ज्यादा सुंदर नेवी ब्लू में है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है, और ये इसके साइडों में रहे, पर ये ना जॉर्जेट में है, पता नहीं इसमें कपड़ा लगेगा अंदर की नहीं लगेगा, मुझे नहीं पता, पर ये है जो मतलब जो मुझे लग रहा है। तो ये देखो, बहुत प्यारी कढ़ाई है ना, और ये है, और ये इसका प्लाजो है, इसको ना अभी नहीं करवाऊंगी, अब टाइम ना इसको अभी नहीं करवाऊंगी मैं, ठीक है, इसको करवाऊंगी बाद में, ठीक है। और ये है इसका प्लाजो, और किसी दिन ना फिर आराम से पहन के दिखाऊंगी, बस ऐसा ही दुपट्टा भी है, दुपट्टा में लेके हूँ, के चले के चले जा, तो इनको रख देती हूँ अंदर। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी ज्वेलरी और अपनी चप्पल जो मैं लेके आई हूँ, ये जो है दुपट्टा, नीचे पड़ गया था, ये दुपट्टा इसका, बहुत प्यारा कलर है, बहुत ही अच्छा। तो अब चलो ज्वेलरी दिखाती हूँ, ज्वेलरी और चप्पल, टोपी तो मैं पहन के रखूंगी। काश यही सारी उम्र यूं ही जाए बीत मितवा,
पर पता है आजकल ना मेरा दिमाग थोड़ा सा खराब हुआ पड़ा है, क्योंकि मेरे कानों तक ना, और मैंने सुनी मेरे की कुछ औरतों की बातें पहुंची हमारे गांव की, दो औरतों की जात, सबको और कोई नहीं बोलता और सब बहुत खुश होती है, दो तीन औरतों की, उनकी क्लास लूंगी अभी मैं, बड़े आराम से लूंगी मैं। बहुत दिनों से उनको मैंने समझाया भी था सबके बीच में एक बार कि फालतू बकवास नहीं करनी, ठीक है, मेरी वीडियो को लेके। और अब इनको तकलीफ होने लगी, ये सोचते पता नहीं कितना की कमाती है। खैर वो छोड़ो, जो दिखा रही हूँ वो दिखा देती हूँ पहले, तो चप्पल दिखाती हूँ पहले, एक मिनट। तो ये मैं अपने लिए चप्पल लेके आई हूँ 250 रुपये की, ये देखो सिंपल जैसी चप्पल। मेरे पास चप्पल नहीं थी, सैंडल क्या बोलते हैं चप्पल जूते, क्योंकि अभी गर्मी आया, पर गर्मियों का पक्का पता नहीं, अगर ऐसी बारिश रही तो फिर हमारे ठंडी होती रहेगी, फिर हमारे नहीं होगी गर्मी। इसको ना इनको ऐसे करते होंगे, पता नहीं यार कैसे करते हैं इनको, जो भी है ये तो दिखेगा ही नहीं अगर इस साइड से करी है ना। ये देखो सुंदर है मेरी चप्पल, बहुत सुंदर लगी, मेरे को लगी बहुत सुंदर। वैसे बहुत महंगी महंगी भी थी, 400 रुपये की, 500 रुपये की, पर मेरा ये ऐसा है ना, मेरा हिसाब ऐसा है कि जो मुझे चीज़ जस्ती है ना मैं उसको ही पहनती हूँ, जो मेरे दिल को भाती है, जो मुझे कंफर्टेबल होती है, चाहे वो कपड़ा है चाहे वो जूता है, तो मैं वही चीज़ लेती हूँ। साथ साथ में अपनी सब्जी भी देख रही हूँ, यहाँ पे मैंने लगा रखा है अपना ट्राइपॉड, ऐसा ना सब्जी उतने को बिल्कुल ही गल जाए। चलो मैं आपको जल्दी जल्दी से ना अपनी ज्वेलरी दिखा देती हूँ। तो ज्वेलरी में कुछ मैं खुद लेके आई हूँ, अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि क्या मैं खुद लेके आई हूँ और क्या मुझे एज ए गिफ्ट मिला है, ठीक है। तो ये है मेरी चूड़ियाँ, ये चूड़ियाँ इस तरह की हैं ना, मैं आपको समझाती हूँ, ये चूड़ियाँ इस तरह की हैं कि अगर ये अलग अलग सेट भी पहनना होगा, ठीक है। ये देखो वैसे इसका सेट बना के दिया था, इसका सेट बना के दिया था, मतलब अभी तो आगे पीछे देखो ये वाली साइड हो गई है मोटी वाली, अगर जैसे मेहंदी वाले दिन हम इनको पहन सकते हैं हरे वाली को, ठीक है, और हल्दी वाले दिन ये पीली वाली चल पड़ेंगी, ठीक है। अरे भाई पर इनके जो स्टोन है ना वो बहुत प्यारे हैं, एक सेकंड, इनके जो स्टोन है ना जर्कन स्टोन तो नहीं है पर हाँ लग रहे हैं वैसे। तो ये चूड़ियां हैं, अभी नहीं आएगी, साबुन से आएगी मेरे हाथ में, ये देखो कहाँ से। और ये मल्टीपल कलर में चूड़ा बन जाता है, सेट करना पड़ेगा ना इसको, एक पतली चूड़ी फिर मोटी फिर दूसरे कलर की, इस तरह से फिर मल्टीपल कलर में, फिर हम जैसे मर्जी कपड़े पहने तो उसके साथ भी, अगर आपने हमने मतलब किसी एक ही सूट के साथ इनको पहनना है तो फिर एक एक चूड़ा भी है, पर फिर पता है क्या, फिर तीन तीन ही चूड़ियाँ हैं, तीन तीन चूड़ियों का सेट है और चार है ये, ठीक है। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना प्लीज, आप लोगों के कमेंट मेरे को ना बहुत मोटिवेट करते हैं बहुत ज्यादा। तो चलिए ये देखो इस डब्बे में बहुत सुंदर लग रही है अभी, मतलब ऐसे बहुत सुंदर लग रही है, कैमरे में इतनी नहीं लग रही है। और अभी मैं आपको बताती हूँ दूसरा नेकलेस जो कि मेरे को सब्सक्राइबर ने गिफ्ट किया है, तो ये देखो ये इसमें टीका है, ये कान के हैं, और ये यहाँ ये भी इतना सुंदर नहीं लग रहा है ना, ये ऐसे बहुत सुंदर है गोल्डन में, ये सबके साथ इसको पहन सकते हैं, ठीक है। और अब दिखाती हूँ मैं आपको, ओ भाई सॉरी, एक एक करके दिखा देते हैं। ये देखो ये है मेरा नेकलेस जो कि मुझे मिला एज ए गिफ्ट और बहुत ज्यादा सुंदर है। काश यही सारी उम्र यूं ही जाए बीत मितवा, और मेहमान लग गए भाई आने, तो मुझे बताना कि ये किसके साथ कौन सा कैसे पहनना, ये आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि देखो मुझे इन चीजों के बारे में वैसे YouTube पे काफी सारी चीजें होती है, उनको कौन निकाले मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि किस सूट तो आप लोगों ने देखे हैं कि किसके साथ कौन सा पहनू। ये मेरे ख्याल में सबके साथ चल पड़ेगा ये भी, इसमें ना लाइट पिंक है, ये नहीं है कि पिंक के साथ चलेगा क्योंकि इसमें लाइट है, ये अगर डार्क में होता ना तब फिर थोड़ा सा ये लगना था। और ये इसके झुमके बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, ये देखो ये देखो, और सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर हैं। तो ये था और क्या था, हाँ चूड़ियाँ, एक सेकंड चूड़ियाँ रहेगी दूसरे वाली चूड़ियाँ जो कि मैंने खुद सेट बनाया है, ये सेट मैंने अपने आप बनाया है क्योंकि ये मेरे पास कोई कड़े थे लिए हुए, कोई पहले की चूड़ियाँ थी ये, तो फिर मैं ये तो सभी सूटों के गोल्डन में आ गए ना, ये सभी सूटों के, ये देखो
ये देखो आगे पीछे हो गई है ना, एक मिनट, ये इस तरह से बना है ये सेट। ये देखो अगर ये निकाल भी देनी हो कलर्ड वाली तो फिर ऐसे भी ये बहुत ही सुंदर है, क्योंकि ये कड़े हरिद्वार से लेके आई थी मैं, तो एक ये है। ठीक है, बस यही था मेन मेन ज्वेलरी में, और क्या था, और कुछ नहीं था। तो मुझे कमेंट करके आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को जो मतलब सुंदर तो सारे ही, इनमें कोई शक नहीं है, पर मुझे कौन किस तरह से ये करना, किन सूटों के साथ क्या। मैंने दो ही सूट सिलाए अपने लिए, मतलब ये समझ लो आपकी मैंने कुछ भी नहीं लिया है, और अब ये चूड़ियाँ पक्का पहले टूट जाएंगी। चलिए जी, ये हो गई पैक, एक हो गया ये हार, और इस हार को भी सेट कर देते हैं, पहले वीडियो का एंड कर लेती हूँ, नहीं तो ये सारे ही आ गए फिर आगे। तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और मुझे बताना है कि आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। ठीक है, जय माता दी, राम राम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। और आज हम आशु के घर में जाएंगे, तो तेल की वो है, तो शाम के टाइम फिर आपको दिखाते हैं वो वीडियो। ठीक है, जय माता दी।